गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार फिजिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन योगा से रिलेटेड, जो आपके फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 5 या 10 नंबर का योगा सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पतंजलि योग सूत्र किसने लिखा है? पतंजलि योग सूत्र महर्षि पतंजलि ने लिखा है। योग सूत्र में कुल कितने पार्ट हैं? फ्रेंड्स, 4 पार्ट हैं, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? 195। ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, जो QCI का एग्जाम होता है योगा टीचर्स का, उसमें आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न पादों अध्यायों में सूत्रों का वितरण कीजिए। समाधि में 51 है फ्रेंड्स, साधन में 55 है, विभूति में 55 हैं और कैवल्य में 34 हैं। टोटल ये 95 बन जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि समाधि पाद में कितने सूत्रों का विवरण किया गया है, 51 का, साधन पाद में 55 का। तो फ्रेंड्स, ये सूत्र आपको याद रखने हैं। योग सूत्र में कितने आसनों व तत्वों का वर्णन किया गया है? योग सूत्र में 13 आसन और 26 तत्वों का किया गया है। फ्रेंड्स, इसमें तत्व होते हैं 25 होते हैं, एक इसमें ईश्वर को प्लस कर दिया गया है, इसलिए ये 26 बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योगश्चित्तवृत्ति निरोध, योग किस योग यह है परिभाषक कौन से सूत्र में है? फ्रेंड्स, योग सूत्र 1.2 में है, योग सूत्र 1.2 में है, योग चित्तवृत्ति निरोध है। और ये किसकी है परिभाषा? पतंजलि की है। किसकी है? पतंजलि जी की है ये परिभाषा। नेक्स्ट है, योग सूत्र के अनुसार चित्त का स्वाभाविक गुण क्या है? प्रकाश है फ्रेंड्स। क्या है? प्रकाश है। चंचलता किस गुण की विशेषता है? रजोगुण की है। नेक्स्ट है, चित्त की कितनी भूमियां हैं? 5 हैं, विक्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, विक्षिप्त एकाग्र व निरुद्ध। कौन सी भूमियां योग भूमियां कहलाती हैं? एकाग्र व निरुद्ध भूमि कहलाती है। किस भूमि में चित्त रजोगुण प्रधान होता है? क्षिप्त भूमि में होता है फ्रेंड्स। ये रजोगुण है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, रज, तम और सत, ये तीन गुण इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें योगा में, और तीनों के तीनों हर क्वेश्चन पेपर में, तीनों में से एक एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप इसको एक बार विकिपीडिया करके देख लेना। किस भूमि में चित्त तमोगुण प्रधान होता है? मूड में होता है फ्रेंड्स। तमोगुण की प्रधानता मूड में होती है। किस भूमि में विवेक ख्याति का जन्म होता है? निरुद्ध भूमि में होता है। किस में होता है? निरुद्ध भूमि में होता है। चित्त की कितनी वर्तियां हैं? चित्त की 5 वर्तियां हैं, प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निंद्रा, स्मृति। नेक्स्ट है, प्रत्येक वृत्ति के कितने कितने भाग हैं? प्रत्येक वृत्ति के 2-2 भाग हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। प्रमाण वृत्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, अप्रत्यक्ष, अनुमान व आगम। नेक्स्ट है, अंधेरे में रस्सी को सांप समझना कौन सी वृत्ति का उदाहरण है? अंधेरे में रस्सी को सांप समझना कौन सी वृत्ति का उदाहरण है? विप्रय वृत्ति का है फ्रेंड्स। योग सूत्र के अनुसार चित्त वृत्तियों को रोकने का उपाय अभ्यास व वैराग्य है। नेक्स्ट है, योग सूत्र के अनुसार अभ्यास में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? दीर्घकाल, निरंतर, सत्कार पूर्वक और दृढ़ता से। वैराग्य के कितने प्रकार हैं? अपर वैराग्य व पर वैराग्य, तो 2 प्रकार के हैं। ज्ञान की प्रकाष्ठा कौन सा वैराग्य है? पर वैराग्य है फ्रेंड्स, ज्ञान की प्रकाष्ठा। ईश्वर की परिभाषा योग सूत्र में कहाँ पर दी गई है? योग सूत्र 1.24 में दी गई है। ईश्वर की विशेषताएँ, क्लेश, कर्म, विपाक व आशय से मुक्त पुरुष। क्लेश, कर्म, विपाक व आशय से मुक्त पुरुष। योग सूत्र के अनुसार क्लेश कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश। योग सूत्र में क्लेश 5 हैं फ्रेंड्स। एक क्लेश पेपर में दे दिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि क्लेश कितने प्रकार के होते हैं? 5 के। या ये पूछ लिया जाता है, अविद्या क्या है? योग सूत्र में अविद्या क्या है? तो अविद्या क्लेश है एक प्रकार का। सांख्य में 5 क्लेशों को कर्मश क्या कहा गया है? तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र। उपरोक्त में से ऐसा कौन सा क्लेश है जिसका डर भगवान को भी होता है परंतु योगी को नहीं होता? अभिनिवेश फ्रेंड्स। क्या है? अभिनिवेश।
योग सूत्र के अनुसार कर्म के प्रकार हैं कुशल व अकुशल, कुशल व अकुशल। नेक्स्ट है हमारा योग सूत्र के अनुसार प्रणव किसका नाम है फ्रेंड्स, प्रणव ईश्वर का नाम दिया गया है योग सूत्र के अनुसार। और ये किस में है, कौन से योग सूत्र में, 1.27 में लिखित है। चित्त में बाधाएं उत्पन्न करने वाले अंतराय कितने होते हैं फ्रेंड्स, 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9 होते हैं। किसी कार्य को करना ही नहीं चाहना क्या कहलाता है, सत्यान कहलाता है, चित्त की अकर्मण्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इन 9 चित्त विक्षेपों के साथ साथ सहायक जो परिणाम स्वरूप पैदा होते हैं, इन विक्षेपों की संख्या क्या है फ्रेंड्स, 5 है। दुख कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक व आदि दैविक। नेक्स्ट है भावना चतुष्टय में क्या क्या आता है, मैत्री, करुणा, मुदिता व उपेक्षा। भावना चतुष्टय का वर्णन योग सूत्र में किस सूत्र में है फ्रेंड्स, योग सूत्र 1.33 में है। समाधि के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, संप्रज्ञात व असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। असंप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं फ्रेंड्स, 2 भेद हैं, भाव प्रत्यय व उपाय प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस समाधि में चित्त की एकाग्रता बनी रहती है, संप्रज्ञात समाधि में चित्त की एकाग्रता बनी रहती है। किस समाधि में चित्त की कोई भी वृत्ति शेष नहीं रहती, असंप्रज्ञात समाधि के में चित्त की कोई भी वृत्ति शेष नहीं रह जाती। असंप्रज्ञात समाधि प्राप्ति के लिए कौन सा वैराग्य जरूरी है, पर वैराग्य जरूरी है। योगियों के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं फ्रेंड्स, मृदु, मध्य, अधिमातर, इनमें से तीनों के तीन तीन प्रकार बताए गए हैं, यानी 9 टाइप के प्रकार बताए गए हैं योगियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो जिसके पास हो वैसा रूप ले लेना क्या कहलाता है, समाप्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, समाप्ति। समाप्ति के कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, 4 होते हैं, स्वीतर्क, निवितर्क, सुविचार व निर्विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समाप्ति के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं, 2 हैं, स्वीतर्क, मतलब सविचार और निर्विचार। स्वीतर्क भी आ सकता है इसमें, निर्वर्तक भी आ सकता है। उपरोक्त चारों से मिलाकर क्या क्या बनता है, मतलब क्या होता है, सबीज समाधि। उपरोक्त चारों को मिलाकर क्या कहते हैं, सबीज समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा अध्यात्म प्रसाद क्या होता है, निर्विचार की शुद्धता से प्राप्त ज्ञान। निर्विचार व अध्यात्म प्रसाद में बुद्धि कैसी हो जाती है, ऋतम भरा प्रज्ञा हो जाती है। ऋतम भरा प्रज्ञा क्या है, ज्ञान की उच्चतम अवस्था है। ऋतम भरा ज्ञान की एक बड़ी अवस्था है। विवेक ख्याति हो जाने के बाद उसमें विराग रहित हो जाने पर कौन सी समाधि प्राप्त होती है फ्रेंड्स, धर्म मेघ समाधि। जब धर्म मेघ समाधि में भी सभी कर्म निर्वृत हो जाते हैं वह अवस्था क्या कहलाती है, जीवन मुक्त अवस्था। क्रिया योग क्या है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान और क्रिया योग है, ये 2.1 में लिखित है। क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, क्रिया योग है। द्वंद्वों को सहन करना क्या कहलाता है, तप कहलाता है। द्वंद्वों को सहन करना क्या कहलाता है, तप कहलाता है। सभी क्लेशों का मूल किस में है, अविद्या में है। सभी क्लेशों का मूल किस में है, अविद्या में है। महामोह किस क्लेश को कहा जाता है, राग को कहा जाता है। महामोह किस क्लेश को कहा जाता है फ्रेंड्स, राग को कहा जाता है। योग सूत्र के अनुसार कर्माशय किसके द्वारा बनते हैं, क्लेशों के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं, क्लेशों के द्वारा बनते हैं। कर्मफल किसके आधार पर मिलता है, जाति, आयु व भोग के आधार पर, जाति, आयु व भोग के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुख का जन्म किससे होता है, प्रकृति व पुरुष संयोग से होता है। प्रकृति व पुरुष संयोग से होता है। पुरुष किसको कहा गया है, दृष्टा को कहा गया है, मतलब आत्मा को कहा गया है पुरुष। दर से प्रकृति का प्रयोजन क्या है, भोग व अपवर्ग है, भोग व अपवर्ग। प्रकृति के कितने परिणाम बताए गए हैं फ्रेंड्स, 4 बताए गए हैं। प्रकृति के 4 परिणाम बताए गए हैं। योग सूत्र में सांख्य से कौन सा तत्व ज्यादा है, 26वां, ईश्वर तत्व ज्यादा है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को आप लाइक किया करें और बताया कीजिए आप मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट कंटेंट हमें क्या लेके आना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, अष्टांग योग के अंतर्गत योग के अंतरंग साधन कौन कौन से हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धारणा, ध्यान, समाधि। किसकी सिद्धि का पालन से सभी रत्नों की प्राप्ति होती है? असत्य। किसकी सिद्धि का पालन से सभी रत्नों की प्राप्ति होती है? ये असत्य, ये असत्य फ्रेंड्स, ये वाला असत्य नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि आप झूठ बोल के सभी रत्नों को प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। योगा में असत्य का मीनिंग कुछ दूसरा होता है। अष्टांग के अंतर्गत नियमों की संख्या कितनी होती है? अष्टांग के अंतर्गत नियमों की 5 होती है संख्या, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। पंच महावर्त किसे कहा जाता है और इनकी गणना कितने कालों में की जाती है? इनकी गणना 4 कालों में की जाती है फ्रेंड्स। यमों की गणना 4 कालों में की जाती है, जाति, देश, काल व समय में होती है। सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति के लिए किस नियम को माना जाता है? संतोष को माना जाता है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है QCI के लेवल 2 में। योग सूत्र में आसन की परिभाषा क्या है और कहाँ है ये? स्थिर सुखम आसनम 2.46 में है। डबल स्टार दे रही हूँ मैं इसको, क्योंकि 100% आएगा ही आएगा फ्रेंड्स। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आप मेरे से नहीं, योग फिजिकल में तो 2 नंबर का आता है 1 क्वेश्चन अभी, तो 2 नंबर क्वेश्चन 100% आप इस वीडियो में पक्के समझना फ्रेंड्स। योग सूत्र में आसन की परिभाषा क्या है और कहाँ दी गई है? स्थिर सुखम आसनम और योग सूत्र में 2.46 में ही लिखी गई है। याद रखना, आसन के सिद्ध होने से क्या आती है? स्थिरता आने की, आने से दृढ़ता आती है, स्थिरता आती है शरीर में और दृढ़ता आती है। योग सूत्र के अनुसार प्राणायाम के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं फ्रेंड्स। इंद्रियों का अपने विषयों से विमुख हो जाना क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। धारणा, ध्यान, समाधि योग सूत्र के किस पाद के अंतर्गत आते हैं? विभूति पाद के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। ये अष्टांग योग में कितने कितने होते हैं? 8 इनकी योग की, 8 टाइप के योग हैं, यम, नियम, आसन और क्या हैं फ्रेंड्स मुझे याद नहीं है पूरे के पूरे। उसमें लास्ट के ये हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, 3 जो अंतर्गत हैं और ये विभूति पाद में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी पीछे आया हुआ है। योग सूत्र के अनुसार धारणा अभ्यास के लिए चित्त को कितने चक्रों में से बांधने की बात कही गई है? 5 चक्रों में से। धारणा, ध्यान, समाधि की एकता क्या कहलाती है? संयम कहलाती है फ्रेंड्स। क्या कहलाती है? संयम कहलाती है। चित्त का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संयम कहाँ करना चाहिए फ्रेंड्स? संयम कहाँ करना चाहिए? वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए रखा है, आप कमेंट में नहीं बताते इतना ज़्यादा। चित्त का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संयम हमें अपने हृदय में रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? हृदय में रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्धि प्राप्ति करने के कितने मार्ग बताए गए हैं? 5 मार्ग बताए गए हैं फ्रेंड्स। सिद्धि प्राप्त करने के कितने मार्ग बताए गए हैं? 5। योग सूत्र में कितने प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है फ्रेंड्स? अष्टांग सिद्धियों का। योग सूत्र में कितने प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है? 8 सिद्धियों का है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इसमें योग सूत्र के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। योग सूत्र में योगी कर्म किसे कहा जाता है? असुकल, आकर्षण को कहा जाता है, मतलब निष्काम को कहा जाता है। योग सूत्र में योगी कर्म किसे कहा जाता है? निष्काम को कहा जाता है। वासना के उत्पन्न होने के कितने कारण हैं? 4 कारण हैं फ्रेंड्स। वासना का आश्रय कहाँ बताया गया है? चित्त में बताया गया है। विवेक ख्याति की कितनी भूमियाँ होती हैं? विवेक ख्याति की 7 भूमियाँ होती हैं। भोग व अपवर्ग प्रयोजनों रहित होकर अपने कारण में लीन होना क्या कहलाता है? कैवल्यावस्था। क्या कहलाता है? कैवल्यावस्था। नेक्स्ट है, देखें व सुने गए विषयों में तृष्णा रहित कौन सा वैराग्य है? वसीकार वैराग्य है फ्रेंड्स। कौन सा है? वसीकार वैराग्य है। पंच क्लेशों की अवस्था क्या कहलाती है? पंच क्लेशों की अवस्थाएं कहलाती हैं प्रसुप्त, तनु, विच्छन व उदार कहलाती हैं। सुख भोगने की इच्छा क्या कहलाती है? राग। सुख भोगने की इच्छा क्या कहलाती है? राग। नेक्स्ट है हमारा, योग सूत्र के अनुसार दुख के प्रकार हैं ताप, परिणाम व संस्कार। ताप, परिणाम व संस्कार के, संसार के दुख।
योग सूत्र में चेतना किसकी विशेषता बताई जाती है? योग सूत्र में चेतना किसकी विशेषता बताई जाती है फ्रेंड्स? पुरुष की, आत्मा की। योग सूत्र में हान का अर्थ क्या होता है? हान का अर्थ होता है पुनर्जन्म। क्या होता है? पुनर्जन्म आदि भावों को दुख का अंत। हान का उपाय विवेक ख्याति। हान का उपाय क्या है? विवेक ख्याति। सामाजिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग कौन सा अंग है फ्रेंड्स? ये आप 100% मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग सूत्र के अनुसार प्रकृति व पुरुष की अभेद क्या है? योग सूत्र के अनुसार प्रकृति व पुरुष के अभेद प्रतीति क्या है? भोग है फ्रेंड्स। योग सूत्र के अनुसार पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? संस्कारों का साक्षात करना जरूरी है। सूर्य संयम से क्या परिणाम प्राप्त होता है? समस्त लोकों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। परसंख्यान शब्द किस संबंध से संबंधित है? धर्म में समाधि से। योग सूत्र में कौन से सूत्र में क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? योग सूत्र 2.18 में किया गया है। प्रकृति व पुरुष के संयोग से क्या उत्पन्न होता है? महत्व उत्पन्न होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? महत्व। मोक्ष के लिए योग सूत्र में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? कैवल्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, कलेशों को दूर करने के उपाय का वर्णन कौन से पाद में किया गया है? साधन पाद में बताया गया है कि कलेशों को आप कैसे दूर कर सकते हो। मध्यम कोटि के साधकों के लिए कौन सा योग बताया गया है? क्रिया योग बताया गया है फ्रेंड्स। कौन सा योग बताया गया है? क्रिया योग। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक नाड़ी बराबर होती है 24 मिनट। एक नाड़ी बराबर होती है 24 मिनट। आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। अभी मुझे आगे आप बताएंगे कि मुझे किस विषय पे आगे का वीडियो बनाना चाहिए फ्रेंड्स, और ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सही चल रहा है या अच्छा नहीं है। दूसरा फ्रेंड्स, मैं आपको PDF जो मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, जिसमें से मैं फिजिकल एजुकेशन के मैंने 3-4 वीडियो करवाए हैं फ्रेंड्स, उस बुक का मैं PDF नहीं दे सकती आपको, उसके लिए I am so sorry। बट आप मुझे कुछ भी नहीं बोल सकते। मैंने एक बंदे को या दो बंदे के WhatsApp नंबर लिए, वो ज़्यादा ही फोर्स कर रहे थे PDF के लिए। उनको मैंने जो एक जो इम्पोर्टेंट बुक है उसको छोड़ के दूसरे कहीं से बनाए थे, उनका PDF मैंने डाला। अभी वो ये बोल रहे हैं कि आप डालो प्लीज़, रिक्वेस्ट है, ये है वो है। फ्रेंड्स, अगर मैंने उसका PDF डाल दिया तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उसमें ऑथराइज नहीं है कि मैं उस बुक को कहीं पे भी बिना परमिशन के वो करूँ। बाकी आपकी समझ है, ठीक है, आप ऐसा वैसा कुछ ना लिखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ मैं। अगर आपने आगे के वीडियो देखने हैं, इसी तरह के वीडियो देखते रहना है फ्रेंड्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे से आपके आगे के वीडियो की तैयारी कर सकूँ। थैंक यू फॉर शेयर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।